आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू थाईलैंड का ग्रेट बुद्धा है, तो वहीं अब दूसरे नंबर पर हैदराबाद की 216 फीट ऊंची स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू होगा। हालांकि देखिए राजस्थान के नाथद्वारा में 351 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन मार्च में है और उससे पहले फरवरी में ही यानी कि आने वाले महीने में ही ओवैसी के गढ़ में पीएम मोदी के हाथों स्वामी रामानुजाचार्य की भव्य मूर्ति का उद्घाटन हो जाएगा। तो इस वक्त देखें 120 किलो सोने और तकरीबन 1400 करोड़ की लागत से बनी स्वामी रामानुजाचार्य की भव्य मूर्ति के आगे हैदराबाद की चार मीनार की चमक भी फीकी पड़ रही है और इसके पीछे की क्या वजह है आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सोने से बनी स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। वैष्णव संप्रदाय के संत चिन्नाजर स्वामी की देखरेख में 1400 करोड़ की इस प्रोजेक्ट को हकीकत का रूप दिया गया है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के पीछे की कहानी कितनी खास और दिलचस्प है आइए आपको हम बारीकी से बताते हैं। पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि सोने से बनी 216 फीट ऊंची स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति में 54 कमल पंखुड़ियां हैं और पंखुड़ियों के नीचे 36 एलिफेंट्स हैं और तकरीबन 18 शंख और चक्र हैं। स्वामी की इस इतनी विशालकाय मूर्ति कैसे बनेगी ये तय करने के लिए 14 मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई और इन 14 में से 4 मूर्तियों को बाद में पसंद किया गया। और देखिए सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये 4 मूर्तियां वो थी जिसमें किसी की आंख, किसी का हाथ और किसी के पैर बहुत सुंदर थे और फिर जो नई मूर्ति बनी उसे फाइनल किया गया। अब इस मूर्ति को स्टैचू में हूबहू बदलने का टास्क था और इसलिए बेंगलुरु में इसकी 3D स्कैनिंग की गई और देखिए जब मूर्ति का स्वरूप फाइनल हुआ फिर रिसर्च शुरू हुई कि आखिर इतनी भव्य और विशाल मूर्ति को कहाँ बनाया जाए। तो इसके लिए हैदराबाद को चुना गया। हैदराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मुंचीतल रोड पर इसको बनाने की कवायद शुरू हुई जिसे अब हम श्रीरामनगर भी कह सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को रूप देने में हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। हर 15 दिन में भारत की एक टीम को चीन जाना पड़ता। अब बताया जाता है कि चीफ आर्किटेक्ट को चेहरे और आंखों की तस्वीरें लेकर 3 बार चीन जाना पड़ा और 1800 बार करेक्शन करने के बाद 3 महीने लगे स्वामी जी का चेहरा बनाने में। तो देखिए स्टैचू के 1600 अलग अलग पीस तैयार हुए और खास बात ये है कि इसमें कहीं भी वेल्डिंग का कोई भी साइन नहीं दिखता। तो देखिए 9 महीने जहां मूर्ति को असेंबल करने में लगे तो वहीं 18 महीनों में मूर्ति बनकर तैयार हुई। तो सोने की तरह चमक रही स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में 82% कॉपर के अलावा जिंक, टिन और सिल्वर भी मौजूद है। तो इस भव्य मूर्ति के इर्द गिर्द वैष्णव संप्रदाय के 108 मंदिर भी बनाए गए हैं। तो मूर्ति से लेकर मंदिरों के लिए राजस्थान का पिंक स्टोन, भैसलाना का ब्लैक मार्बल और आंध्र और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन लाया गया। इसके अलावा देखिए चीन से भी एक खास तरह का ब्लैक मार्बल मंगाया गया। तो वहीं नक्काशी के लिए भारत के जितने भी कारीगर थे उन्हें शामिल किया गया। माउंट आबू के कारीगरों ने जहाँ पत्थरों पर नक्काशी की, जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम पर नक्काशी की, तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियां बनाई और आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों पर नक्काशी की। तो अब फाइनली 108 मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं और बस फिनिशिंग वर्क चल रहा है। तो देखिए 200 एकड़ कैंपस में स्टैचू साइट 40 एकड़ में है जिसमें आपको एक म्यूजिकल फाउंटेन भी मिलेगा जिसमें स्वामी रामानुजाचार्य की लीलाएं दिखाई गई हैं और इसे खास तौर से चीन से मंगवाया गया है। अब अगर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के खर्चे की बात करें तो देखिए शुरुआत में 400 करोड़ रुपए आके गए थे लेकिन बाद में ये बढ़कर 800 करोड़ पहुंच गया और अभी तक इसमें 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा पैसा देखिए देश विदेश से मिले दान से आया है।